नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नफरती लोगों ने सत्याग्रह की धरती पर महात्मा गांधी को किया अपमानित। चरखा पार्क के पास लगे बापू की प्रतिमा को किया खंडित। रफ्तार ने उजाड़ दी परिवार। डंपर की चपेट में आने से पति पत्नी के साथ बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। नाबालिग के अपहरण मामले में ग्रामीणों ने शिकारपुर थाना पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। थाने का किया घेराव। पुलिस कर्मियों के समझाने पर मामला हुआ शांत। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज नगर के टीपी वर्मा कॉलेज गेट के समीप हुई भीषण सड़क दुर्घटना, गई दो की जिंदगियां। घायल रविंद्र को मंजर हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। मोतिहारी में अपराधियों ने चाकुओं से जख्मी कर लूट लिए थे मोटरसाइकिल। मोतिहारी के छतौनी स्थित स्पोर्ट्स क्लब मैदान में महिला फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। आज का दिन यानी 14 फरवरी पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के दिन बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर नफरती तत्वों ने जो तस्वीर पेश की है उससे हर भारतीय शर्मसार है। बेहद अफसोस की बात है कि मोतिहारी के धरती पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। मोतिहारी स्थित गांधी स्मारक के सामने बने चरखा पार्क में नवनिर्मित महात्मा गांधी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बापू की प्रतिमा के साथ नफरती लोगों ने सुलूक किया है। पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी कर्मभूमि और सत्याग्रह की धरती पर नफरत के जहर का शिकार होकर इस तरह अपमानित होंगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। घटना की सूचना पर जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया एवं सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। इस घटना के संदर्भ में जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण शीर्षत कपिल अशोक से एसटीवी न्यूज के प्रधान संपादक अंसारुल हक ने फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे सर कि ये पूरा मामला क्या है और अब तक आपने आपके नजर में क्या कुछ आया और क्या कुछ हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों ने कल जो है आदरणीय बापू जी चंपारण के जो है उनका मूर्ति की विडंबना की है, तो ये आज सुबह हमको लगभग 10-11 बजे करीब सूचना मिली, तो हम और पुलिस अधीक्षक महोदय साथ में गए थे और उसका स्थल निरीक्षण भी किए जी। तो ये एक मामला है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की मूर्ति की विडंबना करने के उनके विचार तो नहीं ना ये होंगे, नष्ट होंगे, तो ये समझने की बात है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है, उनको जो है आइडेंटिफाई करके अब पकड़ने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। मीनवाइज सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई है वहां पे। अब जो है सीसीटीवी, क्योंकि ये काम कर रहे थे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो सीएसआर फंड में, और वो ट्रांसफर भी नहीं हुआ है जिला प्रशासन या नगर निगम को, तो एक बार उनको बुला के भी हम बताएंगे, क्योंकि उसका दीवार बहुत छोटा है, मतलब बच्चा भी जम करके आराम से जा सकता है, तो वो कंस्ट्रक्शन के कुछ इश्यूज है वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन पुनः हम प्रतिष्ठापना करेंगे और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इन चंपारण जो है जो कि सत्याग्रह और अहिंसा के लिए जाना जाता है। वही सर बड़ा सवाल है कि बापू की कर्म भूमि है, सत्याग्रह की धरती है, और इस धरती पर बापू की जो इस तरह के साथ उन्हें अपमानित किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है किस तरह की कार्रवाई हो रही है ताकि भविष्य में इस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिले। पुलिस तो अपनी काम कर ही रहा है और अनुमंडल पदाधिकारी भी निरोधात्मक कार्रवाई अब जो है शुरू करेंगे जो सीआरपीसी के अंतर्गत, तो कार्रवाई तो कठोर की जाएगी क्योंकि इससे सांप्रदायिक जो है सौहार्द जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो उसको हम टैकल करेंगे जी। एक सवाल सर और बहुत इम्पोर्टेंट है कि पिछले दिनों भी देखा गया था कि प्रसिद्ध राइटर मिलेनियम राइटर के खिताब से जिनको नवाजा गया है वो जॉर्ज ऑरवेल की मूर्ति के साथ भी इस तरह की वारदात हुई है, तो उस संदर्भ में भी जो है कुछ उस तरह का एक्शन होता हुआ नहीं दिखा। क्या है कि समटाइम्स इट हैपन्स कि जो व्यक्ति है असामाजिक तत्व तो उसमें ढूंढने में टाइम लग जाता है, लेकिन जस्टिस के मामले में जो है किसी इनोसेंट पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो पुलिस भी जो है अपना सोच के बहुत पूरा पुख्ता ये करके कि जांच करके ही कार्रवाई करती है, तो उसकी समीक्षा हम एसडीपीओ लेवल पे एक बार करेंगे कि क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई है,
तो उसमें भी देखते हैं क्या होता है, ये दोनों केस को जो है ना साथ में देखा जाएगा। कि कल और आज की जो घटना हुई है, इस सब के मद्देनजर आप जिलेवासी या चंपारण वासियों के लिए सर आपका मैसेज क्या होगा इस टीवी न्यूज के माध्यम से? शांति व्यवस्था अहिंसा सत्याग्रह इस पे विश्वास रखना है, और हमारे लिए विचार महत्वपूर्ण है। मूर्ति हम पूर्व से जो है जैसे थी उसी तरह प्रतिष्ठापना करेंगे, बस यही मेरा संदेश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। गौरतलब है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम के तहत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा चरखा पार्क का विस्तार एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां नवनिर्मित महात्मा गांधी की मूर्ति को नफरती लोगों ने तोड़ दिया। उक्त स्थल का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य में लगे एजेंसी को महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मौके पर मौजूद मोतिहारी नगर निगम के आयुक्त को उन्होंने निर्देश दिया कि चरखा पार्क की समुचित सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, रात्रि सुरक्षा गार्ड के साथ लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह कौन से लोग हैं जो सत्याग्रह की धरती चंपारण में बापू के खिलाफ इतना नफरत पाल रखे हैं। साथ ही बड़ा सवाल यह भी कि ऐसे तत्वों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले 100 बार सोचे। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग में एक डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना पिपरा पेट्रोल पंप के सामने की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पश्चिमी चंपारण की मुफस्सिल थाने की पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर बेतिया जीएमसीएच भेज दिया। मृतक बाइक चालक नजमुद्दीन मियां उर्फ आजाद और उनकी पत्नी तथा बच्चे की मौत से उनके ससुराल मझौलिया के बखड़िया पंचायत अंतर्गत थवैया गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। आजाद अपनी पत्नी 32 वर्षीय सहनाज खातून के साथ अपने गांव लौट रहे थे, तभी पिपरा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गए। घटना की सूचना पर पहुंचे मृतक आजाद के ससुर शमसुल मियां ने बताया कि सोमवार का दिन उनके परिवार के लिए काल लेकर आया है, जिसमें उनकी बेटी, दामाद और नाती तीनों काल के गाल में एक साथ समा गए। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से अगली खबर है, जहां कुकुड़ा गांव से अपहरित नाबालिग की बारामदगी को लेकर कुकुड़ा के ग्रामीणों ने शिकारपुर थाने का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शिकारपुर पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। विदित हो कि कुकुड़ा गांव निवासी एक नाबालिग लड़के का बेतिया से लुधियाना जाने के दौरान बस से ही अपहरण हो गया है। मामले में नाबालिग के पिता ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं बेतिया नगर थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि शिकायत दर्ज होने के एक माह बाद पुलिस ने पश्चिमी चंपारण के श्रीनगर से एक युवक को हिरासत में लेकर शिकारपुर पुलिस को सौंप दिया है। युवक के पास से अपहरित नाबालिग लड़के का मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान पुजहा पटजिरवा गांव निवासी राजकुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण करने एवं घर वालों से फिरौती मांगने के आरोप में उसको पकड़ा है। अपहरित नाबालिग के पिता शिकारपुर थाना क्षेत्र के कुकुड़ा गांव निवासी इस्माइल मियां ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं नगर थाने में 17 जनवरी को आवेदन दिया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि कुकुड़ा गांव के नाबालिग समाबीन लादेन का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी उसके मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है, किंतु पुलिस उसे जेल अभी तक नहीं भेज रही है। बताया कि 3 दिनों से उसे थाने में रखा गया है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कारण पूछने पर थाना अध्यक्ष द्वारा परिजनों को भगा दिया जा रहा है, जिसके बाद आज लोगों ने हंगामा किया है। पकड़ के लिया के नरकड़िया शिकारपुर थाना में 3 दिन से डलबा, 3 दिन से अगर कोनो व्यवस्था नहीं है, तो मोबाइल के साथ में पकड़ल बा, मोबाइल एकरा लगबा, ये गौरी मोबाइल पकड़ल बा, कह तक घर अगर कोनो सुनवाई नहीं है, बार बार मुजरिम हमनी से पैसा मांगल जे अपना दत लैका दे, अगर थाना 3 दिन में कोनो व्यवस्था नहीं है, करो थाना अगर कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, थाना इसका चक्कर में पड़े ही नहीं रहा है, मुजरिम 3 दिन से पकड़ कर थाना में बैठाया है लोग, हम लोग का दिन भर बैठाता है, 8 रात बजता है तो बोलता है अपने घर जाओ, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। कुछ नहीं कहा, लड़का एक दिन बतैले रहे पकड़ाई की ये जगह कौन होटल में डलबानी, सिकटा होटल में डलबानी, लड़का के देहम वही जानवर पकड़ाइल बा, तो बोलल भाई जा कोनो हिसाब किताब पूछताछ कुछ नहीं कर रहा बा, लड़का से एक बार मुजरिम बात करो ला भाई, एक बार मात्र है आज तक मार बाकी। पिछले दिनों अपराधियों ने एक राहगीर को मोतिहारी के चंडी माई स्थान के पास चाकुओं से हमला करते हुए घायल कर उसकी मोटरसाइकिल लूट ली थी, जिसके बाद घायल व्यक्ति का इलाज मोतिहारी NH 28 स्थित मंजर हॉस्पिटल में चल रहा था।
हालांकि घटना की सूचना मिलते ही छतौनी थाना अध्यक्ष एवं नगर थाना अध्यक्ष मंजर हॉस्पिटल पहुंचकर घायल 23 वर्षीय रविंद्र कुमार से घटना की जानकारी ली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों के भागने की दिशा में मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर संकेंद्रित छापेमारी की गई एवं रिकॉर्ड 12 घंटे के अंदर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुआ वार्ड नंबर 1 निवासी मंटू सिंह के पुत्र 22 वर्षीय सोनू कुमार को छतौनी बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के बयान के आधार पर कांड में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया गया तथा कांड में लूटा हुआ मोटरसाइकिल को ग्राम रुलही थाना मुफस्सिल जिला पूर्वी चंपारण के विशाल कुमार पिता हीरालाल दास के घर से बरामद किया गया। वहीं दो अन्य भागे हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी जारी है। वहीं मंजर हॉस्पिटल में इलाजरत जख्मी रविंद्र कुमार को आज ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। वहीं मंजर हॉस्पिटल के प्रबंधक आरएन सिंह ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि घायल रविंद्र अब ठीक है तथा अस्पताल से उसकी छुट्टी कर दी गई है। चाकू लगा एक पेशेंट आया था, क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? ओ, एक चाकू लगा मरीज आया था बतरौलिया का, जो रात में आया था। उसको बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा था, स्थिति बड़ी नाजुक था, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट किए हैं, अब ठीक है और आज डिस्चार्ज भी कर दिए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से अगली खबर है, जहां नगर के टीपी वर्मा कॉलेज गेट के समीप हुई भीषण सड़क दुर्घटना में दो की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक 3 वर्षीय बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 15 वर्षीय एक लड़की की मौत इलाज के दौरान हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक शिकारपुर थाना क्षेत्र के नौतनवा पचमवा की रहने वाली महिला बेटी एवं ननद के साथ बाइक पे सवार होकर साठी बिलवा अपने मायके जा रही थी। इसी क्रम में नरकटियागंज नगर के टीपी वर्मा कॉलेज गेट के समीप गन्ना लदे ट्रैक्टर से दुर्घटना की शिकार हो गई, जिसमें 3 वर्षीय बच्ची लतीफा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 15 वर्षीय जरीना खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा बुरी तरह से घायल 15 वर्षीय बच्ची को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर उपचार के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया और सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस गन्ना लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। हालांकि इलाज के क्रम में उस लड़की की भी मौत हो गई। शिकारपुर प्रभारी थाना अध्यक्ष शकील अहमद ने बताया कि सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों द्वारा दिए आवेदन पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा का आज समापन हुआ है, वहीं 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है और नगर में ओवरलोडेड गन्ना लेकर वाहनों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। वहीं इस घटना से नाराज नगर वासियों ने प्रशासन की निंदा की और अतिशीघ्र नगर में नो एंट्री के तहत ओवरलोडेड गन्ना लदी गाड़ियों की आवागमन पर रोक लगाने की मांग की है। एक बाइक वाले लिया तो पीछे से मार दिल तो बाद में ट्रैक्टर वाले लिया तो गिर गए रखी थी तो ट्रैक्टर वाला देह माए बहर गए लोग मुड़ी में है बच्चा मर गई हमार बेटी मर गई लिया। एक्सीडेंट अभी हुआ, एक ट्रैक्टर वाले ने उसको एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से। एक्चुअली वो बता रहे हैं कि बर्मा चौक के पास एक्सीडेंट हुआ है, 15 साल की एक लड़की आई थी जिसका नाम जरीना खातून है। बहुत ज़्यादा ही सीवियर हेड इंजरी हुआ है उनका, सारा फ्रंटल जो बोन होता है फ्रंटल हेड का वो सारा फ्रैक्चर हो रखा है उसका और बहुत ज़्यादा तो सीवियर कंडीशन में आई थी हमारे पास। तो जो भी इनिशियल मैनेजमेंट था हमने उसको हम लोग ने उनको कर दिया है और फिर उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम बेतिया रेफर कर दिए इस चीज़ के लिए। क्या लग रहा है सर कंडीशन देख के? कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ही सीवियर है, कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पास उतना इस सुविधा नहीं होने के बावजूद इसके हमको बेतिया रेफर किया ताकि वहाँ पे उचित तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सके और उसके लाइफ बच सके। आज जो टीपी वर्मा कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग में आज जो दुर्घटना हुआ है जिसमें 3 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई है और 15 वर्षीय बच्ची जो रेफर है वो भी जिंदगी और मौत को जूझ रही है। ये ओवरलोडिंग जो नटियान मार्केट में खुलेआम चल रहा है, इस पर अनुमंडल प्रशासन ना नगर प्रशासन दोनों अगर ध्यान देता तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। और दूसरा बात है कि मुख्य मार्ग के दोनों तरफ काफी अतिक्रमण है और नगर प्रशासन कान में तेल डाल के सुई हुई है कि ऐसी ऐसी दुर्घटना बराबर होती रहेगी। अतः हम अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस तरह ओवरलोडिंग पे लगाम लगाई जाए और अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए मुख्य मार्ग। नरकटियागंज शहर दुर्घटनाओं का शहर बन चुका है, यहाँ आए दिन कभी न कभी छोटी से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आज के ही दिन
एक 3 वर्षीय बच्ची का दुर्घटना में देहांत हो गया, 15 वर्षीय बच्ची हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। शहर में कहीं ना कहीं अनुमंडल प्रशासन की मिलीभगत से ही नो एंट्री जोन में ओवरलोडिंग गन्ने का ट्रैक्टर एंट्री कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए अनुमंडल प्रशासन और नगर प्रशासन जिम्मेवार है। मोतिहारी के छतौनी स्थित स्पोर्ट्स क्लब मैदान में पूर्व घोषणा अनुसार महिला फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने की। जिलाधिकारी ने महिला टीम वीरगंज नेपाल और स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद महिला टीम की खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद भारत एवं नेपाल मैत्री अंतर्गत दोनों देश के राष्ट्रगान का धुन पूर्ण सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया। उक्त अवसर पर क्लब के सचिव प्रभाकर जायसवाल, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर जगदीश विद्रोही, अमित सेन, प्रोफेसर ए रंजन, डॉक्टर संजय कुमार सुमन, उद्घोषक जोहा अफजल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर द ओन्स डांस एकेडमी चकिया के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इसके पूर्व क्लब के सचिव प्रभाकर जायसवाल एवं अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव ने जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह की 49वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके स्मृति को याद करते हुए सचिव प्रभाकर जायसवाल ने अगले वर्ष ओलंपिक आयोजन करने की सार्वजनिक घोषणा की। कार्यक्रम के संबंध में एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्लब के सचिव प्रभाकर जायसवाल ने विस्तृत जानकारी दी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह के 49वें पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर 2 दिवसीय अंडर 16 बालक और महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। 12 फरवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर अंडर 16 बालक नेपाल टीम वीरगंज की और स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी के बीच मैच खेला गया, जिसमें नेपाल की टीम ने स्पोर्ट्स क्लब को 3-0 से पराजित किया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।